कम से कम इन सब से आयरन लेडी मायावती ठीक हैं, कम से कम अपने सिद्धांत पर, अपने समाज के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी हैं। भाजपा से जहाँ तक किसी के भी गठबंधन का प्रश्न है, इसका उत्तर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दे सकते हैं, साक्षी महाराज जी। सुना आपने, ये साक्षी महाराज हैं जो बहुजन समाज पार्टी से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, फायर ब्रांड नेताओं में इनका नाम गिना जाता है। वो भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी आयरन लेडी है, वो सिद्धांतों पर काम करने वाली नेता है, वो अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए हमेशा लड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष में आज जितने भी नेता हैं उन सबसे बेहतरीन लीडर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी। बिल्कुल इसमें कोई दो शंका नहीं है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की छवि और उनका नेतृत्व है विपक्ष में। आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, केजरीवाल सहित, उन सबसे बेहतरीन कार्यकाल है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का रहा और उनकी छवि भी नेतृत्व रही। लेकिन जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर सक्रियता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। खुद बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी भी चुनावी रैलियों के अलावा कहीं भी किसी के साथ बाहर जाने में या कार्यक्रम करने में, किसी घटना पर बोलने में बिल्कुल हचकिचाती नजर आती है। उनकी जो प्रेस होती है वो भी केवल ANI को न्यूज दी जाती है, कभी भी वो सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, सभी लोगों को नहीं आमंत्रित करती, केवल जन्मदिन और खास मौकों के सिवा। तो इस तरीके से आपको बता दें कि उनकी जो सक्रियता है वो पिछले कुछ समय से घट चुकी है। पहले बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी जमीन पर और धरातल के साथ साथ हर जगह पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती थी। और आप सभी जानते हैं कि राजनीति के अंदर आप पहले क्या करते हैं उससे ज्यादा ये जरूरी होता है कि आज की तारीख में आप क्या कर रहे हैं।